दोस्तों फाइनली रियलमी की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि रियलमी 3 और रियलमी 3 प्रो का सक्सेसर रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो आपको 20 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन आपको इसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है जो कि रियलमी 2 कैमरा से डायरेक्ट जंप करके आपको क्वाड लेंस देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डालते हैं इस फोन के कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन पे एक नज़र। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर। तो आपको 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है रियलमी 5 में डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ। वहीं आपको रियलमी 5 प्रो में 6.5 इंच का सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन आपको इसमें एक एमोल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही दोनों ही डिवाइस में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको प्रोटेक्शन में कोई भी कमी दोनों ही डिवाइस में देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही अगर प्रोसेसर को लेकर बात किया जाए तो आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट देखने को मिल सकता है। अगर कंपैरिजन किया जाए 710 से तो आपको 712 में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा सिवाय क्लॉक स्पीड के। वहीं आपको बैटरी कंज्यूम थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कैमरा की बात किया जाए तो आपको दोनों ही डिवाइस में क्वाड कैमरा लेंस इस बार देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से, जिसमें आपको रियलमी 5 में प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है जो कि 16 मेगापिक्सल का। वहीं आपको रियलमी 5 प्रो में 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिलता है जो कि सोनी IMX586 सेंसर है। साथ ही आपको तीनों लेंस दोनों ही डिवाइस में सेम देखने को मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है जो कि वाइड एंगल लेंस है जो कि 119 डिग्री तक एंगल सपोर्ट करता है। साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल का सुपर माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। वहीं आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दोनों ही डिवाइस में देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल तक का कैमरा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बैटरी की बात किया जाए तो आपको दोनों ही डिवाइस में कम से कम 4000 mAh का बैटरी तो देखने को मिलेगा। साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जो कि बुक 3.0 चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं आपको स्टोरेज की बात किया जाए तो आपको दोनों डिवाइस में 2 से 3 स्टोरेज देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं आपको टाइप सी का भी सपोर्ट दोनों डिवाइस में देखने को मिलता है। साथ ही आपको ऑडियो जैक 3.5 mm देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको अप्रोक्स सारा सेंसर देखने को मिलता है दोनों डिवाइस में, जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक्सेलेरोमीटर सेंसर और कंपास और जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर प्राइस की बात किया जाए तो आप दोनों डिवाइस का प्राइस आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रियलमी 3 और रियलमी 3 प्रो का सक्सेसर है तो आपको रियलमी 5 का प्राइस वही 13 से 15 हज़ार तक देखने को मिल सकता है। वहीं आपको रियलमी 5 प्रो का 15 से 18 हज़ार तक का प्राइस देखने को मिल सकता है, यानी कि इसका प्राइस आपको रियलमी एक्स के बराबर ही देखने को मिल सकता है। तो यही था दोस्तों रियलमी 5 प्रो का एक नया डिवाइस, यही डिवाइस आपको 20 अगस्त को रियलमी की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। तो यही था दोस्तों रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो का डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।